हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाने जा रही हूँ। कुछ खास तो नहीं, हाँ बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हैं, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों को अपना वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और गार्डन का ओवरव्यू भी बहुत दिनों बाद ही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी 15 दिनों के लिए समर वेकेशन पे। और अगर आप अपने गार्डन को किसी स्टाफ के भरोसे छोड़ के जाएँ तो क्या हाल होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि देख रेख जो आप खुद से कर लेंगे स्टाफ वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ब्लूमिंग तो ठीक ही ठाक है, देखिए ये हमारे अलमांडा में तो बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त हो रही है। और कुछ हमारे हॉलीहॉक, जब मैं लौट के आई तो देखा मैंने, अभी हॉलीहॉक मेरे अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से, देखिए ये लाइट एंड डार्क पिंक वाले। और इधर भी बहुत सारे हॉलीहॉक के प्लांट हैं। और यहाँ हमारे पीच कलर वाली अलमांडा, साथ में ये हमारा पपीते का जो पौधा है उसमें भी काफ़ी सारे पपीते आए हैं। तो कुछ अच्छे सरप्राइजेस भी देखने को मिलते हैं जब आप कहीं से कुछ दिनों बाद वापस आएँ, और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी कर देती हैं आपके माइंड को अपने गार्डन में, जब आप देखें कि सब गड़बड़ हो गया है और जो जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा कुछ भी नहीं है। अपराजिता भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है इसमें, देखिए ब्लू एंड वाइट सभी, क्योंकि बरसात में ये बहुत ही अच्छे से फैल भी जाते हैं और ब्लूमिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं। इधर देखिए ये हमारे अलमांडा जो बेल है, पीले पीले बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग खिले, और इसकी बेल तो बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई है। हमारे इस ट्रिल को इसने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। और इधर आगे की ओर जो हैंगिंग बास्केट में मैंने मॉस रोज़ेस लगाए थे तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया, देखिए पीले पिंक रेड ऑरेंज सभी कलर के फ्लावर जो हैं वो बहुत ही अच्छे से हैंगिंग बास्केट में ब्लूम कर रहे हैं। और नीचे के साइड में आए तो देखिए कुछ मॉस रोज़ेस के साथ हमारे पर्स लेन भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग कर रहे हैं, पिंक रेड येलो सभी के कलर के फ्लावर हमारे पर्स लेन में इस समय ब्लूम कर रहे हैं, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है बरसात के बाद, तो मुझे आए हुए लगभग 1 से 1.5 दिन हो गया है और बारिश हो रही थी जब मैं आई, तो आज थोड़ा थोड़ा धूप निकला तो मैं आई अपने गार्डन का हालचाल लेने के लिए, तो आपसे भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आगे कुछ गैलेडिया और गॉर्फिना लगाए हुए थे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अंदर की साइड में हमारे जो गुल मेहंदी है उनके बीज गिरे हुए थे, तो बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट यहाँ पे देखिए निकल आए हैं। और बस हमारे ये हिबिस्कस और ये हमारे देसी वैरायटी वाले रोज़ेस, इन सब की ब्लूमिंग सब ठीक ठाक है। ये सारे हमारे पेरेनियल प्लांट सब में कलियाँ बहुत ही अच्छी सी बन रही हैं, ब्लूमिंग भी अच्छी खासी हो रही है। पर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, जब मैं लगा के गई थी गैलेडिया वगैरह बहुत सारे प्लांट, तो काफ़ी सारे प्लांट मुझे डेड मिले यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे ये सारे लेंदी लेंदी हो गए हैं हमारे हिबिस्कस, और बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बस इन्हीं बरसात के मौसम में इनकी कटिंग मैं करने वाली हूँ, अच्छे से इनकी कटाई छटाई करने वाली हूँ, जो लेगी लेगी से ब्रांचेस है उनको हटा दूँगी ताकि थोड़ा सा यहाँ पर देखने में अच्छा लगने लगे ये एरिया। और बस नीचे के साइड में देखिए कुछ हमारे सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गए हैं हॉलीहॉक, तो यहाँ से मैं सारा निकाल के गई थी, बीज वगैरह गिरे होंगे उसी से ये प्लांट डेवलप हो गए हैं, तो रहने देती हूँ, अगर फ्लावरिंग करते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे आगे हमारे तुलसा जी लगे, पीछे की साइड में ज़मीन पे मैंने कुछ पुदीना की कटिंग लगाई थी ये देखिए नीचे, और ये देख रहे हैं आप मेरे आने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फैल गए हैं मैंने देखा, और बिल्कुल अच्छे से ये पूरा इन्होंने ये एरिया कवर कर लिया। अब इन्हीं से कटिंग मैं लेके ना पूरे ये जो राउंड एरिया है ना, यहाँ पे आप पीछे भी देख रहे हैं ये पूरा पीछे की ओर राउंड एरिया है, तो वहाँ पूरा मैं ये पुदीने की कटिंग लगा दूंगी ताकि ये पूरा ये एरिया कवर कर ले और पुदीना जो है मुझे अपने घर का ही फ्रेश फ्रेश मिले। आगे यहाँ पे कुछ कोचियाँ हैं, और हमारे पीछे फाउंटेन के पास स्पाइडर लिली के प्लांट रखे हुए हैं, वाइट वाइट से फ्लावर आपको दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो बरसात में वैसे भी गार्डन हरा भरा हो जाता है, और जब मैं गई थी उस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी से भी मेरे बहुत सारे प्लांट डैमेज हो गए हों, क्योंकि बिल्कुल भी रख रखाव नहीं हो पाया मेरे ना रहने पे, पानी भी हो सकता है ठीक से ना डाला हो स्टाफ ने, तो कई सारे प्लांट मुझे डेड मिले यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखिए मैंने लगाए हुए थे बहुत सारे गैलेडिया, तो कुछ तो हैं और कुछ प्लांटर यहाँ पे खाली नज़र आ रहे हैं, हो सकता है डेड हो गया हो तो स्टाफ ने वो प्लांट ही हटा दिया, रिमूव कर दिया वहाँ से। तो ये सारे यहाँ पे पर्सलेन वगैरह सब लगे हुए हैं, गैलेडिया लगे हुए हैं स्टैंड पे,
बस यही सब है हाल, मिला जुला सा हमारे गार्डन का। और बरसात में तो हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी सी रौनक आ जाती है सभी की। आपको कटाई छटाई करनी है, जो भी प्लांट आपके ख़राब हो रहे हो, डैमेज हो रहे हैं, उनमें एक नई जान आ जाती है अगर पेरेनियल प्लांट है। और अगर सीजनल प्लांट डेड हो गए तो फिर उनकी तो दोबारा देख रेख नहीं हो पाती है। यहाँ पे बीच में देखिए हमारे डेंथस जो हैं वो अभी भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। किनारे मैंने कुछ हेज लगाया हुआ था, तो ये हेज की जो प्लांट है पूरे इनको मैं कटिंग और लगा दूंगी ताकि एक राउंड शेप ये पूरा कवर कर लें। तो बस यही सब कुछ हाल है। और ये हमारे येलो येलो से टैकोमा बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग इस समय कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बेल में फ्लावरिंग हो रहा है। और मधुमालती की बेल भी बहुत ही अच्छे से देखिए इस्टेब्लिश हो गई है, इनमें कलियाँ आप देखेंगे तो भरपूर मात्रा में हैं, बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। और सभी पेरेनियल प्लांट बहुत ही खूबसूरत से, ये देखिए लैंड लोटस भी बहुत ही अच्छे से। और आते ही बहुत सारा वर्क है हमारे गार्डन में, छत पे टेरेस पे मैंने कुछ इस तरीके से ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ था, तो बरसात में इन सबको मैं हटा देती हूँ अपने गार्डन से। तो मज़दूर लगाया हुआ है मैंने और ये सारे कारपेट मैं हटा रही हूँ। ग्रीन नेट का हाल देखेंगे आप तो बिल्कुल आंधी तूफान में, आप देखिए आधे लटक भटक गए हैं, तो इनको भी मुझे सही कराना है। और यही सारा हाल है जब आप कहीं से बाहर से आते हैं तो बहुत सारा वर्क होता है। कटाई कर दी थी मैंने इस हिबिस्कस की जाने से पहले क्योंकि इनमें कीड़े लग रहे थे, अब इनमें नई ग्रोथ आ गई है। और ये देखिए ये हमारे जो रोज़ेज़ हैं इनमें बहुत सारे सकर निकल आए हैं मेरे जाने के बाद, तो ये सकर जो ब्रांचेज़ हैं जंगली ब्रांचेज़ जो निकल आते हैं बिल्कुल गुलाबों में, इनको भी मुझे हटाना है कटाई छटाई करके। तो काम बहुत सारा है और बरसात में भी बहुत सारा वर्क होता है गार्डन में करने के लिए, तो बरसात की भी तैयारी मुझे अपने गार्डन में करनी है ताकि बरसात में हमारे ये सारे प्लांट बचें और ख़राब ना हो, उन सभी चीज़ों को मुझे देखना है। और ये देखिए ये हमारे मोगरा, इसमें भी आप देखेंगे ना कलियाँ भरपूर मात्रा में है, इवनिंग में ये खिलेंगे बहुत ही प्यारे से, इनमें ब्लूमिंग हो रही है। तो बिल्कुल ये गर्मियों के जो पौधे हैं ना इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, रात में ये खिल जाएंगी। ये हमारे वाइट वाले हिबिस्कस और इधर भी हमारे सब अलमांडा वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारी मधुमालती की बेल, इनमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। पीछे ऊपर मेहंदी के पेड़ में ये सारी बेल लिपट गई है और ऊपर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त हो रही है। इधर भी मेरे सारे ये बेल वाले ही पौधे हैं जो अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिनको मैं इस तरीके से रस्सी के ओर बांध दिया था मैंने। तो गार्डन बहुत सारा वर्क है, मिसमैच है। और जाने से पहले मेरे ये जो है ना अडेनियम, इनमें इस तरीके से बीज बन रहे थे जिनको मैंने धागे से बांध दिया था। देखिए ये बिल्कुल टूटने वाले थे, अगर मैं धागे से ना बांधती तो ये सारे बीज जो हैं वो उड़ जाते और मुझे कुछ भी ना मिलता आने के बाद। तो ये देखिए धागा बांधने से फ़ायदा ये हुआ कि ये सारे जो सीड्स हैं वो मुझे मिल गए। थोड़े गीले गीले हैं क्योंकि बरसात हुआ था, ये अपने आप ही लटक गए थे, तो इनको मैं थोड़ा सा सुखा लूँगी। एक देखिए इसमें भी बना हुआ है ये सीड पॉट, तो इसको भी मैंने धागे से बांधा हुआ है, तो जब ये पूरा पक जाएगा तो अपने आप ही निकल जाएगा। बहुत सारे में मेरे सीड पॉट बना हुआ था, आगे में भी देखिए थोड़ा सा मैं देखती हूँ नीचे की ओर गिरा हुआ है, और ये भी सीड पॉट देखिए बिल्कुल खुल गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये गमले में गिरा हुआ है ये सीड पॉट बिल्कुल सूख के। धागा बांधने से फ़ायदा ये है कि ये सीड पॉट्स मुझे मिल गए, वरना कोई भी सीड मुझे अपने अडेनियम के आने के बाद ना मिलते। तो देखिए इतने सारे सीड पॉट्स मिले हैं मुझे आने के बाद, इन सबको मैं थोड़ा सा धूप में सुखा लूँगी और उसके बाद ये सीड्स मैं ग्रो करूँगी। तो कुछ देखिए इस तरीके से प्लांटर भी गिरे हुए हैं, आंधी तूफान से लग रहा है। तो काम बहुत सारा है गार्डन में, और अगर आप वैकेशन पे जाएं और आफ्टर लॉन्ग टाइम आए तो बहुत सारा वर्क हो जाता है, तो दिमाग भी काम नहीं करता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म। तो बस यही सब हाल चाल है हमारे गार्डन का। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा मेरा गार्डन का ओवरव्यू, क्योंकि काम बहुत सारा है और डैमेज भी बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, और आप लोगों को भी बहुत सारे काम करने हैं अपने बरसात में, बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में करने के लिए, आप भी करिए बरसात की तैयारी। चलिए नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।